दे रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ऐसा। देखिए, भारत के सभ्यता के अनुसार शिक्षा, चिकित्सा, न्याय ये फ्री में मिला करता था, ठीक है, ये जो है फ्री में मिला करता था। तो चिकित्सा और न्याय फ्री में कैसे था, इस पे प्रकाश मैं नहीं डाल रहा हूँ। शिक्षा कैसे फ्री में था या किस तरह से होता, तो फ्री में होता, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आए हैं क्या करने, कंप्यूटर सीखने, ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइपिंग वगैरह सीखते हैं, टाइपिंग वगैरह करना, डेटा वगैरह को मैनेज करना, यही सीखते हैं ना, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में आप काम करते हैं, क्यों, यही करते हैं आप लोग। तो आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे जो करते हैं वो तो डेमो के लिए ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये होता कि आप जो है शुरू के 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन जो है एमएस ऑफिस सीख लेते, ठीक है, कितना सीखते, जितना में काम चल जाए। फिर उसके बाद क्या होता कि आपको रियल टाइम टाइम का कुछ डेटा दिया जाता, रियल टाइम का कुछ काम दिया जाता, ठीक है, जिसको अगर आज के मॉडर्न स्टाइल में कहूँ तो इंटर्नशिप, ठीक है। तो आपको रियल टाइम में जो है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद जो है रियल टाइम पे आपसे काम कराया जाता, 2 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी होता, ठीक है। तो आप रियल टाइम पे करते, तो उससे क्या होता जी, रियल टाइम पे कैसे किया जाता है इस चीज का आपको पूरा अभ्यास हो जाता आपके स्कूल कॉलेज के समय पे ही, ठीक है। तो इससे क्या होता, आपका स्किल्स जो है बहुत ही अच्छा हो जाता, ठीक है, आपके स्किल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है इससे। और जो आप रियल टाइम पे काम करते, तो किसी का काम ही तो करते ना, तो जो जिसका आप काम करते रियल टाइम पे, वो आपको पैसे देता ना, नहीं देता पैसे, वो आपको पैसे देता, तो वो पैसे जो था वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज रख लेता, ठीक है, रख लेता अगर वो पैसा। तो उसके बाद क्या होता, जब आपका जो है कोर्स या विषय या आपका शिक्षा पूरा होता, ठीक है, तब क्या होता कि आपने जितना कमाई किया है पैसा, ठीक है, उस पैसे में से जितना आपका फीस होता है, ठीक है, आपको पढ़ाने में, आपको तैयार करने में जितना खर्चा होता है उसको काट के स्कूल कॉलेज जो है रख लेता, और बाकी जो पैसा बचता है अब आपके कमाई का, वो पैसा आपको वापस दे दिया जाता। बहुत अच्छा होता, क्यों भाई, आप क्या करते हैं, साल भर सीखते हैं, डीसीए करते हैं या पीजी डीसीए करते हैं, तो जो कंटेंट डीसीए पीजी डीसीए में ऐसे ही पढ़ाया जाता है फालतू का, ऐसे ही डेमो के लिए आप टाइप करते हैं, उसको अगर आप रियल टाइम पे काम करते, क्यों, जब आप रियल टाइम पे करते तो आपका जो स्किल्स था और ज़्यादा अच्छा निखार आता उसमें, और ज़्यादा आपके स्किल्स में ग्रोथ होता, होता ना। और जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो आपको क्या कहता, आपको इस दृष्टि से देखता है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता, बहुत थोड़ा बहुत सा आपको आता है कंप्यूटर का, कीबोर्ड पे हाथ रखने, माउस पकड़ने, उसको भी एक झंझट होता है ना कुछ अलग से ट्रेनिंग देने का, क्यों, उसको भी झंझट होता है। लेकिन वो इंटर्नशिप आज के मॉडर्न जमाने में उसको इंटर्नशिप कहा जाता है कि जी हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होता। जैसे आपको मान लो बताया गया ऑनलाइन फॉर्म भरना, राइट, भले बात बहुत छोटा सा है ये, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए बड़ा बात है। तो मान लीजिए मैंने एक ऑनलाइन फॉर्म भरना आपको बता दिया, ठीक है, मैंने एक बताया, आप देखे, बोले हाँ हाँ सर सब कुछ समझ में आ गया, क्लियर है हमको, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब तक आप काम नहीं करेंगे उस तरह से, तब तक तो आपके लिए जो है बहुत बड़ा चीज़ है ना वो। तो जैसे मान लीजिए ऑनलाइन फॉर्म भरना हो गया, ठीक है, तो आपके इंस्टीट्यूट में ही आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कुछ काम दिया जाता है, मान लो 10 फॉर्म भरने के लिए आपको काम दिया गया, ठीक। तो एक फॉर्म पे मान लो मार्केट में क्या रेट है जी, 100 रुपये ले लेता है या 50 रुपये लेता है, मार्केट से 10-20 रुपये, 50 रुपये कम ले लीजिए आप, क्यों, तो कमाई तो हो जाता ना, इंस्टीट्यूट में बैठ के कमाई हो जाता है इस तरह से, ठीक है। और जितना उसका कमाई होता वो आपको सीधा नहीं दिया जाता, स्कूल कॉलेजेस में जो प्रोफेसर होता, जो टीचर होता, वो रख लेता, ठीक है। और जब आपका एजुकेशन पूरा हो जाता
ठीक है, तो जितना आपका जो है आपने जितने पैसे कमाई करा आपने, ठीक है, उसमें से आपका फीस रख लेता टीचर और बाकी आपको रिटर्न कर देता ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह का अगर कुछ सिस्टम होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि डेमो के पर्पस, डेमो के नाम पे जो भी आप काम करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये डेमो के लिए कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ भी होगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन जब आप रियल टाइम पे काम करते हैं तो आप एक एक चीज़ का ध्यान देते हैं, कुछ भी चीज़ें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रियल टाइम डेटा पे जब इंसान काम करता है तो उसका जो है स्किल्स जो है बहुत अच्छा जो है सीखने को मिलता है, स्किल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है उसमें। तो इस तरह से जो है मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता, ठीक है। या फिर कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हैं या कुछ मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी कुछ सिखाने का काम करता है, ठीक है, वो सब कुछ क्या कहते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होता तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। या फिर जैसे ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट से ही एक जो है ऑफिस और कनेक्टेड होता, ठीक है, उसमें जो है सारा काम किया जाता रियल टाइम का, जैसे टाइपिंग वगैरह करना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, ठीक है। जैसे आपको मैंने अभी विजुअल बेसिक का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड कुछ काम वहाँ पे होता और आपसे कराया जाता वहाँ पे, तो ये तो अच्छा टेक्निक था ना। तो ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, पर हमको बहुत ज़्यादा अफसोस है कि आज़ादी के 75 साल बीत गए जी, हम वही अंग्रेज़ों के सिलेबस रट रहे हैं, ठीक है, वही अंग्रेज़ों वाला सिलेबस हम क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं, ठीक है जी। क्या कर सकते हैं, रटना ही पड़ेगा, क्यों रटना ही पड़ेगा ना। 22 मार्च तो आज है नहीं, क्या कह रहे हो, प्रोजेक्टर को नीचे करूं, आज 22 मार्च ही है क्या, 22 ही मार्च है ना, वही तो कहूंगा। चलिए